सोलन के कोटला नाला में पुलिस ने 6.41 ग्राम चिट्टा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार ये चिट्टा कोटला नाला में एक युवक से बरामद किया गया है। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस युवक का पुलिस रिमांड चाहती है ताकि ये खुलासा हो पाए कि युवक के तार कहां कहां जुड़े हैं और नशा माफिया का किंग पिंग कौन है, साथ ही नशे की सामग्री कहाँ से आ रही है। डीएसपी अमित ठाकुर ने बताया कि कोटला नाला में स्थित निजी होटल से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया युवक जिसका नाम विजय है और वह कैथल का रहने वाला बताया जा रहा है। विजय कुमार के पास से 6.41 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वह नशे के इस काले कारोबार में किस हद तक शामिल है। बाहरी राज्यों की नशा माफिया के निशाने पर अब सोलन आ चुका है। हिमाचल में सोलन को शायद नशा माफिया ने इसलिए चुना है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान और यहां युवाओं की अन्य जिलाओं की तुलना में सबसे ज्यादा संख्या है। यही कारण है कि नशा माफिया अपना नेटवर्क सोलन में लगातार बिछा रहा है। यही कारण है कि आए दिन यहां युवा चिट्टे की चपेट में आ रहे हैं, जिन पर पुलिस लगातार नकेल कसने का प्रयास कर रही है। सदर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी जो कि गश्त कर रही थी, एएसआई रमेश इसको लीड कर रहे थे। ये अपने राउंड पर थी तो अक्षय होटल कोटला नाला के पास इनको एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया, जिसने पुलिस पार्टी को देख के थोड़ी भागने की कोशिश की। इन्होंने उस आदमी को काबू किया और उसका नाम पता पूछा और वहाँ होटल के जो रिसेप्शनिस्ट थे उनके सामने इस आदमी की तलाशी ली गई। तो इस आदमी के पास जो 6.41 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया, इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम पता वेरीफाई किया गया है। इसका नाम विजय धूल है, ये कैथल हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ किस काम से आया था और ये क्या काम करता है, ये किस हद तक नशे के व्यापार से जुड़ा हुआ है, ये सभी बातें वेरीफाई की जानी है, जिसके लिए पुलिस रिमांड लिया जाएगा।